ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 30 SCV 2, 11 से 24 तक देखने जा रहे हैं. दैट इज गॉसेस लॉ के क्वेश्चन हैं ना इसमें. चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर. इसके अंदर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 शोन इन द फिगर. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, या कहीं पर अंदर कहीं पर, विच इज़ ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2. ड्रा द ग्राफ ऑल्सो, रफ ग्राफ ऑल्सो. तो गॉसेस लॉ से यहाँ पर सपोज x है तो कितना चार्ज अंदर आएगा यहाँ पर, दैट मैटर्स फील्ड के लिए ना. तो वो चार्ज यूनिटरी मेथड से निकाल देंगे. वन मीटर क्यूब में कितना है और इसका वॉल्यूम ये जो आएगा इसका यहाँ तक उसमें कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा देखते हैं. इतना, तो 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज आएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस, ये वाला वॉल्यूम 4/3 pi का बाहर ले लिया, R2 cube - R1 cube, ये 1 मीटर क्यूब में. तो x का जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा 4/3 pi x³ - R1³. तो यहाँ से ये चार्ज मिल गया इनसाइड, फिर गॉसेस लॉ लग जाएगा, E.ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो सरफेस एरिया 4 pi x² आ जाएगा, है ना, x का रेडियस है तो स्फेरिकल सरफेस बनेगी. वैल्यूज पुट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस रिलेशन. ये कांस्टेंट आ गया ये इधर, ठीक है. तो ये फील्ड का फार्मूला आ जाएगा अंदर. इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर एक्स हमने R1 पुट कर दिया यहाँ पर आ गए तो फील्ड जीरो आ जाएगी, अंदर चार्ज आ ही नहीं. तो यहाँ पे देखो R1 पुट कर दिया तो ये ज़ीरो हो गया, तो फील्ड जीरो से स्टार्ट हो रही, फिर इंक्रीज होगी अंदर और बाहर जो है, अच्छा R2 पर मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पर, और फिर बाहर जो है पॉइंट चार्ज जैसा चेंज होगी, K³ / R² / R² तो ऐसे आएगी फिर, और इनफाइनाइट पे ज़ीरो हो जाएगी जाके, ठीक है. दैट इज़ हाउ ग्राफ गोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यू वांट टू सी दिस, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज़ द कंसिडर्ड वॉल्यूम, एक्स का जो वॉल्यूम है उसके अंदर उतना चार्ज, बस उसके बाद गॉसेस लॉ है. नेक्स्ट वन इज चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द अनचार्ज्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए. फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, ठीक है. तो इंड्यूस चार्ज होंगे इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएंगे, फील्ड कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो करने के लिए बाहर प्लस क्यू हो जाएंगे. तो माइनस क्यू अपॉन 4 pi a² एंड प्लस क्यू अपॉन 4 pi a², ठीक है. इफ चार्ज क्यू इज पुट ऑन द स्फीयर, वाट शुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर. तो सरफेस अंदर तो उतनी रहनी है बिकॉज क्यू ये है, उसी के अकॉर्डिंग अंदर रहेगी, नो चेंज. बाहर चार्ज बढ़ गया है तो प्लस क्यू और हो जाएगा, ठीक है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिचुएशंस ए एंड बी. तो अंदर जो सेंटर पे चार्ज है उसी की फील्ड रहेगी, बाहर चार्ज शेल की फील्ड अंदर जीरो रहती. तो दोनों केसेस में K³ / x² हो जाएगा इन बोथ केसेस, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द शेल, फील्ड इनसाइड इज जीरो फॉर दैट. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडर फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ बेरिलियम एटम. द न्यूक्लियस हैज 4 protons and 4 electrons कन्फाइंड टू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस. 4 protons and 4 neutrons इनफैक्ट, है ना, इतने वॉल्यूम में. द 2 1s electrons मेक द स्फेरिकल चार्ज क्लाउड एट एवरेज डिस्टेंस दिस मच फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड वेयर एज 2s electrons मेक द अनदर स्फेरिकल क्लाउड्स एट द एवरेज डिस्टेंस दिस मच फ्रॉम द न्यूक्लियस. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जस्ट इनसाइड 1s cloud. तो चार्ज, निगेटिव चार्ज बाहर रहेंगे तो K³ / R² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और क्यू जो है 4, बेरिलियम में 4 protons हैं, 4
प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर, ये डिस्टेंस दी हुई है इतने लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट जस्ट इनसाइड, ये हो गया पॉइंट जस्ट इनसाइड 2s। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये 1s वाला है और यहाँ पे 2s का है, तो ये इनसाइड, तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के इफेक्ट को कम करेंगे, तो दो प्रोटॉन का इफेक्ट रह जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये यहाँ पर जो लेंगे तो ये चार प्रोटॉन में से माइनस दो इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर रहेंगे चार्ज इनक्लोज जो है गॉसियस लॉ से, तो दो प्रोटॉन का चार्ज लिया हमने यहाँ पर। तो दिस इज द आंसर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी 700। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी के 2 KQ/R वाला फार्मूला, ठीक है। K की वैल्यू 9×10⁹ होती है, लैम्डा की वैल्यू दी है ना, इंटू है ये, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अराउंड इट्स इन द सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सपोज लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, तो सेंटीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीपेटल फोर्स mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है q×E, E जो है लाइन चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया, और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ से हमें mv² की वैल्यू मिल गई, और 2 से डिवाइड कर दिया इधर भी, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। वैल्यूज पुट कर देंगे सब अभी, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट, ठीक। तो ऐसे गॉसियन सिलेंडर एक बना लेंगे एक्स डिस्टेंस का, तो ई डॉट डी एस इंटू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम इतना आ गया, और ये सरफेस एरिया 2πxL है ना, तो उसमें वैल्यू पुट करके ये निकाल लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस डी कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन, ड्रा द क्वालिटेटिव ग्राफ। देखो ये ऐसे प्लेट है अंदर कहीं इस पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर, सेंट्रल प्लेन ऐसा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसका बड़ा करके डायग्राम देखा हमने, ये अंदर का पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर, इधर भी इधर, तो ई डॉट डी एस क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अभी इसमें कितना चार्ज आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए, ऐसे रहेगा कम ऐसे दिखेगा वो, ईच प्लेट का एरिया है दोनों तरफ से, और 2x इधर से x इधर से x, तो ये वॉल्यूम हो गया, और वन मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना चार्ज है, सरफेस एरिया ऐसे, ओके जैसे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिखेगा वो, तो ये आंसर आएगा, 2a कैंसिल हो गया, x छूट गया, तो x लीनियर रिलेशन आएगा ऐसे। ऑलराइट, 18 देखते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस गॉसियस लॉ पे बेस्ड है, देख लो आंसर इसका अगेन, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज दिस मच
इज प्लेस क्लोज टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेट। तो एफ इजिकल टू क्यू ई, और प्लेट की फील्ड जो है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एफ इजिकल टू क्यू ई सिग्मा, प्लेट की जो फील्ड होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज कंसिडर किया, ठीक, वैल्यू पुट कर दी तो फोर्स आ गया। न्यूटन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन एंड ऑफ द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड इज फिक्स टू द लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ द चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट एंड अदर एंड इज फास्टन टू द स्मॉल बॉल हैविंग द मास दिस मच एंड चार्ज दिस मच। इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थ्रेड का टेंशन। तो दो फोर्सेज एम जी प्लस क्यू ई है ना, यहाँ पे देखो हमने पहले भी कई बार लिखा टेन थीटा, यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला फोर्स अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा निकालना था, इक्विलिब्रियम की एंगल भी दिया था, सिग्मा आ जाएगा। जिस क्यू कैन लर्न एज द स्टैंडर्ड रिलेशन, टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल और थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, मेनी टाइम्स वी यूज इट। 20, कंसिडर सिचुएशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो ये नेट फोर्स, दोनों फोर्स हैं एम जी एंड क्यू ई का फोर्स, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर ले 0.2 न्यूटन आ जाएगा, ऐसा यूनिट में प्रॉपरली पुट करेंगे। सेकेंड पार्ट में सपोज बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज, तो फाइंड द टाइम पीरियड। तो ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम में तो ऐसे पुश किया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी ऐसे, तो उसमें टाइम पीरियड में जी इफेक्टिव ले लेंगे, टेंशन ये टोटल टेंशन जो इतना फोर्स लगेगा उसके मास से डिवाइड कर दिया तो जी इफेक्टिव आ जाएगा, है ना। जी इफेक्टिव में वैसे जी स्क्वायर प्लस एक्सलेशन ड्यू टू फोर्स का स्क्वायर। तो ये टर्म पूरा ध्यान से देखो जी, टेंशन को मास से डिवाइड करने से ये पूरा टर्म आ जाता है, जी इफेक्टिव इज द टेंशन डिवाइड बाय मास। तो जो हमने ऊपर निकाला है वही वैल्यू से मास को डिवाइड कर दिया, 20 आएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन से बच गए हम। जी इफेक्टिव जो है अपना इतना आ गया, ठीक है ठीक है। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन इज दिस, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट्स रीचेस टू द अदर इन 2 माइक्रोसेकेंड, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो टाइम दिया है, फोर्स जो है उससे एक्सलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सलेशन, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। फोर्स कितना है, क्यू ई बाई एम, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स की, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। काइनेमेटिक इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद तो ये दो लार्ज प्लेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर हैविंग द अपोजिट चार्जेस विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट इन बिटवीन एंड राइट। तो लेफ्ट में
इसकी फील्ड जो है आउटवर्ड जाएगी, इसकी निगेटिव वाले किधर आएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। राइट साइड में पॉजिटिव वाले की फील्ड इधर, निगेटिव वाले किधर तो ज़ीरो हो जाएगी। बीच में दोनों की फील्ड एक तरफ जाएंगी, प्लस वाले की रेडियल अवे, माइनस की टूवर्ड्स इट, तो बीच में दोनों फील्ड एक तरफ, तो सिंगल लेयर का इतना होता है, दूसरी लेयर का इतना, तो ऐड होकर इतना हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट में ज़ीरो बाहर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंट्रल है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे बाद में, 24 देखते पहले। थ्री आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विद द लार्ज सरफेस एरियाज, लार्ज इसलिए देते हैं कि हम लोग इन्फाइनाइट शीट वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट वाला सिंगल लेयर का। तो लार्ज सरफेस एरियाज आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एज शोन, द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज हैविंग द चार्ज क्यू एंड राइट मोस्ट को इसको माइनस टू क्यू दिया, इसको क्यू दिया, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड, जस्ट मिनट तो जस्ट मिनट है ना, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था उसमें ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच सरफेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमने सपोज यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, इस पे Q5, Q6, इस तरह से ईच सरफेस पे Q1 से लेकर Q6 तक ले लिया, तो लेट चार्जेज ऑन ईच सरफेस आर Q1 टू Q6। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्लेट को कितना दिया, क्यू दिया, तो लेफ्ट साइड में Q1, राइट साइड में Q2 गिवन है ये, और बीच वाली न्यूट्रल है, Q3 प्लस Q4 इज ज़ीरो। लास्ट वाली में टोटल चार्ज माइनस टू क्यू है, लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे Q5 आया, राइट साइड पे Q6 आया, तो ये चार्ज कंजर्वेशन ये गिवन ही है हमें, ठीक है। तीन इक्वेशन हमें मिल गिवन है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो थियोरी पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ईच सरफेस इज दिस मच, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गए सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सबका एरिया सेम था। तो बस अभी यहाँ पर शॉर्टकट, मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे। ये पॉइंट पे देखो, ये जो कंडक्टर की प्लेट है ए की, उस पर Q1 की फील्ड तो इधर आएगी E1, Q2 की इधर आएगी, क्यू सारे पॉजिटिव लिए, इसकी इधर आएगी, थर्ड वाले की सब की इधर आएगी, सब पॉजिटिव चार्जेज हैं। यहाँ से देखो पॉजिटिव एज्यूम की हमने, तो सबकी फील्ड रेडियली अवे दिस साइड, और ये वाली सरफेस की जो चार्ज है इसकी इधर, तो इक्वेशन में नेट फील्ड तो ज़ीरो होती, राइट साइड में ज़ीरो हो जाएगा, नेट फील्ड ऑन कंडक्टर वन इज़ ज़ीरो। तो ये तो सब लेफ्ट की फील्ड है, Q1 से Q5 तक लेफ्ट वाली है, सॉरी Q1 वाली राइट है, तो वो प्लस लिया, बाकी सब लेफ्ट है अप टू द 6। तो ये इक्वेशन बन गई। देखो इसमें भी बहुत कुछ अभी वैल्यूज दी हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अभी ये तो ज़ीरो है दोनों मिला के, और ये दिया है माइनस टू क्यू, ये ज़ीरो ले लिया, तो Q1 माइनस Q2 बच जाएगा, बाकी सब वैल्यू पुट करके इतना आ जाएगा, एक का ज़ीरो एक का ये, तो ये इसको राइट साइड में भेज दिया, Q1 माइनस Q2 इतना, और गिवन क्या था, टोटल चार्ज फर्स्ट प्लेट पे Q था। फर्स्ट इक्वेशन से देखो इसको ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2Q1 इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये माइनस है ये प्लस है, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू Q1 की पुट कर दी तो Q2 आ जाएगा, तो माइनस क्यू बाई टू एंड दूसरी सरफेस पे प्लस 2Q/3। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों मिला के क्यू हो रहा है क्या, इसमें माइनस आधा, इसमें प्लस 1.5 है ना, डेढ़, दोनों मिला के क्यू ही बच रहा है, तो वो दिया ही था दोनों पे मिला के क्यू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने चेक कर दिया बराबर आया कि नहीं, एक में इतना दूसरे में इतना दोनों मिला के क्यू आएगा, ठीक है। अभी प्लेट बी लेते, कंडक्टिंग प्लेट बी के अंदर भी फील्ड जीरो होगी, तो बी में क्या होगा, ये और ये और ये इसकी फील्ड इधर आएंगी, और ये इसकी फील्ड इधर आएंगी, तीन फील्ड एक तरफ, तीन फील्ड एक तरफ, है ना, ऑल राइट। तो लेफ्ट वाली जीरो लिख देंगे, राइट वाली प्लस लिख देंगे, पहले राइट वाली लिख ली, लेफ्ट वाली ये, इसमें भी फिर से ये Q1 प्लस Q2 इज माइनस 2Q,
ठीक है, तो ये पुट कर दिया क्यू, और सॉरी क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू है, और ये वाले लास्ट वाले का एडिशन माइनस टू क्यू है, तो ये पुट कर दिया, तो यहाँ से क्यू थ्री माइनस क्यू फोर आ गया माइनस थ्री क्यू, और क्यू थ्री प्लस क्यू फोर इज़ जीरो, न्यूट्रल हैं दोनों, है ना। तो ये इक्वेशन हमने ऊपर से ले ली इक्वेशन टू, तो सॉल्व किया क्यू थ्री माइनस थ्री क्यू बाई टू आ गया, तो इसलिए क्यू फोर प्लस होगा, दोनों मिला के ज़ीरो होने वाले, एक माइनस आया दूसरा उतना ही प्लस आएगा। ऐसे ही प्लेट सिक्स का ले लिया हमने, प्लेट सिक्स पे सॉरी प्लेट थर्ड जो प्लेट है उस पर देखते फील्ड, यहाँ पर इसमें क्या होगा, सिक्स वाले की इधर रहेगी फील्ड, बाकी सब इधर रहेंगी, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर एंड ई फाइव, पाँचते में सारे राइट साइड में फील्ड जाएगी सबकी। तो वही यहाँ पे किया, वन से लेकर फाइव तक तो राइट वर्ड में थे, और लास्ट लेफ्ट वाले की लेफ्ट वर्ड में थी, तो ये सब प्लस ये माइनस, तो और क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू दिया ही हुआ है, ये दोनों जीरो दिए हुए हैं, और क्यू फाइव एंड क्यू सिक्स का रिलेशन आ गया यहाँ पर देखो, और क्यू फाइव क्यू सिक्स में मिला के दोनों में मिला के माइनस टू क्यू दिया था, ये गिवन था थर्ड इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व किया तो क्यू फाइव अपना माइनस क्यू बाई माइनस थ्री क्यू बाई टू आएगा, और ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो इसमें तो क्यू सिक्स आ जाएगा, तो माइनस क्यू बाई थ्री दोनों ऐड करके देखो, ये और ये माइनस टू क्यू हो रहा है, यस हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, तो बराबर आ रहा है। आइसोलेटेड प्लेट्स है ना, इधर से इधर आ नहीं सकते हैं, है ना, इंड्यूस होके चेंज कर रहे हैं वो, है ना, अदरवाइज टोटल चार्ज जितना दिया उतना रहे। तो कंक्लूजन देखते हैं, देखो अभी देखो फर्स्ट एंड लास्ट पे देखो, क्यू वन एंड क्यू सिक्स, क्यू वन पे माइनस क्यू बाई टू है, क्यू सिक्स पे भी माइनस क्यू बाई टू है, ओके फाइन, तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट पे इक्वल है, देखो ऑन फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस इक्वल चार्जेज आ रहे हैं, क्यू वन इक्वल क्यू सिक्स, कितना है वो टोटल का आधा, टोटल एक प्लेट पे क्यू दिया गया था, दूसरी प्लेट पे माइनस टू क्यू था, तो उसको टोटल कर लिया, माइनस क्यू आ गया उसका आधा, तो ईजी, हमें इतना सॉल्व करने से बच सकते हैं, शॉर्टकट हमें अगर हमें कंक्लूजन याद रहे, ठीक है। तो टोटल कर लो जितने भी दिए, तीनों प्लेट पे दिए तो तीनों का टोटल करके, और आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पे आएगा, ठीक है, तो ये आ गया। बाकी सरफेस पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना, तो हमें फर्स्ट प्लेट पे टोटल चार्ज दिया था, सपोज लेफ्ट साइड में इतना आया तो बाकी जो है राइट साइड में आएगा, है ना, दैट इज़ व्हाट इज डन। तो फर्स्ट पे कितना दिया गया था, बाय द वे फर्स्ट पे क्यू दिया गया, तो लेफ्ट पे अगर माइनस क्यू बाई टू आ रहा है तो इस पर थ्री प्लस थ्री क्यू बाई टू दोनों मिला के, तभी तो क्योंकि इसमें आधा माइनस में आ रहा है, तो 1.5 प्लस में आएगा, तो माइनस उसको न्यूट्रलाइज करते तो क्यू ही बचेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर, मतलब जितना टोटल दिया उसको ऐड करके आधा आधा कर दो फर्स्ट एंड लास्ट पे, बाकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें देखो टोटल चार्ज जीरो है, तो अगर लेफ्ट साइड में तुम्हारा प्लस थ्री क्यू बाई टू आया तो राइट साइड में माइनस थ्री क्यू बाई टू आ जाएगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से देखो, देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे, थर्ड पे माइनस थ्री क्यू बाई टू था तो दूसरी वाली साइड में प्लस, तो दोनों जीरो हो जाएंगे ऐड करने के बाद, तो दैट इज़ व्हाट इज द। तो यही पॉइंट जो हमने यहाँ यूज़ किया होगा, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। देखो तो टू कंडक्टिंग प्लेट्स, ओके बड़ा करते हैं, एक्स एंड वाई ईच हैविंग द चार्ज लार्ज सरफेस एरियाज आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर शोन, द प्लेट ए हैज़ बीन गिवन चार्ज क्यू वेयर द अदर इज न्यूट्रल, ठीक है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एक्स, अंदर वाले पे, तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल चार्ज का आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर आएगा, टोटल चार्ज कितना दिया गया क्यू ही है, उसका आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर, तो क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, ये इस पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, अगर क्यू बाई टू इधर आ गया तो प्लस क्यू बाई टू इधर आएगा, टोटल क्यू है तो दोनों ऐड करके क्यू होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया, और इस पर न्यूट्रल ही था, तो अगर इस पर सॉरी अगर इस पर क्यू बाई टू है तो इस पर माइनस, तो टोटल जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल है ये। एक पॉइंट और हमने यहाँ पे मिस किया, देखो फेसिंग सरफेस पे इक्वल होगा, देखो फेसिंग सरफेस पे इक्वल चार्जेज आएंगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट पे कितना निकाला हमने, माइनस क्यू बाई टू, जस्ट होल्ड ऑन, तो ये अगर हमने माइनस क्यू बाई टू निकाला है और इस पे कितना था, टोटल क्यू था, तो ये प्लस थ्री क्यू बाई टू आ गया था,
तो अभी आगे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये देखो, ये माइनस फेसिंग सरफेस भी इक्वल अपोजिट 3q/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तभी नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो आएगी। तो इसमें माइनस 3q/2 आएगा, तो ये न्यूट्रल था तो इस पर प्लस 3q/2, तो इस पर माइनस 3q/2 आएगा। बाकी फर्स्ट पे कितना था, माइनस क्यू, तो ये भी माइनस q/2 बचेगा। तो एक लिखने के बाद एक प्लेट का, तो बाकी होते चले जाते हैं ना। तो वही यहाँ भी फेसिंग पे माइनस इक्वल एंड अपोजिट आएगा ना। देखो ये प्लस है तो ये माइनस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू नीचे, या फिर से निकाल सकते हो। तो फील्ड कहाँ कहाँ पे फील्ड चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बताता हूँ। टोटल का आधा आधा फर्स्ट एंड लास्ट पर, और फेसिंग सर पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन और इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पे q/2 आया एरिया उसका, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई इनर सरफेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है तो इसकी रेडियली आउटपुट, ये भी पॉजिटिव है तो इसका तो न्यूट्रल हो गया। अभी ये निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है तो इसकी फील्ड इधर आएगी। ओके एक मिनट है, बी में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर तो इन दोनों की इधर ही आ रही ठीक है, और इसकी इधर आएगी इसकी भी इधर आएगी, तो एक की कैंसिल हो जाएगी। देखो फिर से देखो इसकी कितनी इधर आ रही, ये भी प्लस है ये भी इधर आ रही ठीक है, माइनस वाले की इधर आएगी और तीन की इधर आ रही और एक की जो है अपोजिट आ रही ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन की एक तरफ, तीन की लेफ्ट आ रही, थ्री टाइम्स ऑफ लेफ्ट का हमने माइनस सिंबल दे दिया माइनस। ओके एक काम करते हैं, राइट की पहले लिखते हैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो सिग्मा कितना है, देखो जगह इधर, हाँ ठीक है चलो फिर से सॉल्व कर देते इसको पूरा। तो ई इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हम लोग, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन सिंगल लेयर की, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन टू सिग्मा एक सरफेस की, वन सरफेस फॉर वन सरफेस लिखा हमने ठीक है। तो तीन सरफेस की, तो अभी लेफ्ट साइड में ई नेट ऑन लेफ्ट साइड निकालना है, तो थ्री टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, और माइनस ये इतनी इधर आ रही एक की इधर आ रही, तो उसको अपोजिट वाले माइनस कर लिया, तो क्यू अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक मिनट क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये टू बचेगा, टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्ट साइड में टूवर्ड्स लेफ्ट ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द, ये हो गया थर्ड पार्ट में सी में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, इन लास्ट वाले में राइट साइड, तो बीच में देखो सी में, तो देखते किसकी किसकी क्या आएगी। इस इन दोनों ये पॉजिटिव है, दोनों इधर आएंगी और एक पॉजिटिव इसकी इधर आएगी, तो एक पॉजिटिव की बचेगी और एक निगेटिव की बचेगी, वो भी राइट साइड में,
देखो ये और ये कैंसिल कर देंगे बीच में, इसकी इधर आएगी और निगेटिव वाले की भी इधर आएगी, तो टू टाइम्स हो जाएगी ई सेंटर में, टू टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट, डी देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये प्लस है ये प्लस है दोनों की इधर आएगी, और ये भी प्लस है, तीन की इधर आएगी और एक की इधर आएगी, सिमिलर टू दिस सिचुएशन बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यही आंसर आएगा, तीन की एक तरफ है और एक की एक तरफ है, तो माइनस प्लस होके आंसर जो है अपना डी सी बी जैसे ही आएगा राइट साइड में, नेट ऑन राइट हैंड साइड इज थ्री माइनस वन तो टू बचेगा, तो ये क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा टू भी, ये वाला देखो ये आएगी बट डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट आएगी, तो ये टू चला जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, बस डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स राइट, ऑल राइट दिस मच ओनली, और ये राइट था ये बीच में, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड वही है ना, तीनों लेयर्स की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वाले से सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर ली, क्यू अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आधा हो गया ना, चार्ज क्यू बाई टू है तो वो हमने पुट ही कर दिया यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कुछ एक मिनट है ना थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर आई डाउट, तो सिग्मा जो है यहाँ पर देखो जस्ट एक वन मोर चेक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है मुझे, होल्ड ऑन, तो ये एक सरफेस की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन टू ए है ना, टू भी है देखो, तो यहाँ पर फोर हो जाएगा, ठीक है, तो सिग्मा की ये भी फोर हो जाएगा, फोर तो नीचे टू एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये फोर हो जाएगा, तो टू बचेगा, तो ये थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं पहले, देन विल वाइंड अप, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये तुम्हारा टू बचा है ना, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 23, तो ए का जो आंसर है बी का, सिग्मा की जगह सिग्मा नहीं क्यू है, क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट, क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन टू एफ टू एप्सिलॉन नॉट टू ए एप्सिलॉन नॉट, सही है ये टूवर्ड्स लेफ्ट है ना, नीचे वाले में टू टू बढ़ जाएगा सभी में है ना, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा फोर होने वाला है ना, क्यू बाई टू था तो यहाँ पर फिर टू बचने वाला है सी पार्ट में, तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट, हाँ ठीक है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए टूवर्ड्स राइट, और लास्ट वाले में क्यू अपॉन सभी में देखो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए ही आ रहा है, यहाँ भी देखो इसमें लेफ्ट इसमें राइट इसमें राइट, तो थर्ड एंड फोर्थ का सेम आंसर है, तो इसमें भी हमने जो आंसर ये आया था इसमें भी टू और आ जाएगा,
और सभी का आंसर सेम दिख रहा है, बस लेफ्ट राइट हो रहा है, लास्ट टू का राइट हो रहा है ना। तो दिस इज दैट्स ऑल एंड वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर 31 इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।